हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। दोनों का अर्थ एक ही होता है हिंदी में, सामने। आप एग्जांपल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहला मेरा एग्जांपल है, ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी। ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, हिंदी में अर्थ होगा वह मेरे सामने बैठा था। ये मेरे सामने बैठा है, लेकिन कैसे? मेरी ओर मुंह करके बैठा है। तो यहाँ अपोजिट का मैंने यूज किया, इसका मतलब वो मेरे सामने बैठा है लेकिन मेरी ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने बैठा था। लेकिन अब यहाँ मेरे सामने का अर्थ क्या होगा? मेरी ओर मुंह करके अथवा पीट करके कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अपोजिट का मतलब तो वह जो बैठा है मेरे सामने, वह मेरी ओर मुंह करके बैठा है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब जो मेरे सामने बैठा है वह मेरी ओर मुंह करके भी बैठ सकता है या पीट करके, दोनों में से कैसे भी बैठ सकता है। तो अगर आपको जब स्थिति क्लियर नहीं हो तो आप इन फ्रंट ऑफ का ही यूज करें, क्योंकि इसमें आप वह चाहे मुंह करके बैठा हो या पीठ करके बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आपके सामने मुंह करके बैठा हुआ तो फिर आप अपोजिट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें हल्का सा डिफरेंस था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई हाउस इज अपोजिट द पोस्ट ऑफिस। माई हाउस इज अपोजिट द पोस्ट ऑफिस, और दूसरा है माई हाउस इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। सेंस वही है, जब पोस्ट ऑफिस का मुंह मेरे ऑफिस की ओर हो तब हम अपोजिट का यूज करेंगे, ठीक है। और माई हाउस इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, अब मेरा हाउस जो है पोस्ट ऑफिस के सामने है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का मुंह मेरी ओर भी हो सकता है या उधर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है दोस्तों आपको अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ छोटा सा टॉपिक था लेकिन क्लियर हुआ होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करते रहें। थैंक यू दोस्तों।